हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास, क्लास थर्ड. स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश कोर्स बुक पेज नंबर 37. ये आपकी पोएम है वेंकट एंड फिश. लेट्स बिगिन. फिशरमैन वर्क हार्ड एवरी डे टू कैच फिश टू सेल इन द मार्केट. दे ब्रिंग some of their catch home to feed the family. Imagine what would happen if the fish could talk and request the fishermen not to cook or sell them. Read the poem and find out. Let's read. Venkat द फिशरमैन. वेंकट है जो एक फिशरमैन है. सेल्ड हिज बोट एट डॉन. क्या करता है वेंकट जो फिशरमैन है, अपनी बोट को सेल्ड करता है एट डॉन, मतलब अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही जल्दी सुबह. पियर्ड इन टू अरेबियन सी. पियर्ड की बर्ड मीनिंग है लुक विद कंसेंट्रेशन एट समवन और समथिंग. अरेबियन सी में बिल्कुल कंसेंट्रेशन से देखता है और ट्राइंग नॉट टू यर्न. वेंकट द फिशरमैन कास्ट हिज स्टर्डी नेट. वेंकट जो फिशरमैन है कास्ट थ्रो समथिंग फोर्सफुली इनटू द वाटर टू कैच द फिश. तो अपनी जो उसका नेट होता है उसको फोर्सफुली फेंकता है और वाटर में फिश को पकड़ने के लिए. स्टर्डी की बर्ड मीनिंग है आपकी स्ट्रॉन्ग एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इजली, मजबूत और आसानी से ना टूटने वाला जो नेट है उसका, वो क्या है स्टर्डी, बहुत ही मजबूत और आसानी से नहीं टूटने वाला. इन टू द डीप ब्लू सी एंड वेट टिल सनसेट. और शाम सनसेट जब होता है शाम में, वो उसका इंतजार करता है. वेंकट द फिशरमैन कॉट अ बिग फिश. वेंकट जो फिशरमैन होता है वो एक बड़ी फिश पकड़ लेता है. ही विल मेक अ नाइस स्पाइसी फिश डिश. वह कहता है कि वह बनाएगा नाइस, बहुत अच्छी और स्पाइसी फिश डिश, फिश की डिश बनाएगा. कम बैक टू हिज हट. जो वेंकट फिशरमैन है वो अपने हट वापस आता है. केम बैक टू हिज हट टू मेक हिज टेस्टी फिश करी. अपनी जो बनाने टेस्टी फिश करी बनाने के लिए बनाता है एंड बनाने के लिए रेडी होता है. टू ही वॉट अ फ्रेश कोकोनट. वह एक क्या लाता है फ्रेश कोकोनट लेके आता है, ताज़ा जो नारियल होता है वो लेके आता है. हाउ टू मेक अ लाउड साउंड एक्सप्रेस पेन सैडनेस. हाउड की वर्ड मीनिंग है टू मेक अ लाउड साउंड एक्सप्रेस पेन सैडनेस. वेंकट द फिशरमैन कॉट रेडी टू कुक फिश. वेंकट जो फिशरमैन है वो तैयार होता है फिश को कुक करने के लिए. बट फिश हाउल एंड सेट. हाउल वो, लेकिन फिश जो होती है वो हाउल करती है, मतलब एक साउंड लाउड साउंड निकालती है एक्सप्रेस पेन एंड सैडनेस, अपना दुख का जो एक साउंड निकालती है. प्लीज डोंट बी सेल्फिश. और बोलती है प्लीज डोंट बी, कृपया सेल्फिश मत होइए. सेल्फिश की वर्ड मीनिंग है अ पर्सन हु डज नॉट केयर फॉर अदर्स. सेल्फिश पर्सन ऐसे पर्सन होते हैं जो अब मतलब किसी की केयर नहीं करते हैं. तो वो फिश कहती है बट फिश हाउल एंड सैड. हाउल होती है वो और बोलती है प्लीज डोंट बी सेल्फिश, कृपया सेल्फिश मत होइए. आई वॉन्ट टू लिव. ओ वेंकट आई वॉन्ट टू लिव. मैं जीना चाहती हूँ ओ वेंकट. इफ़ यू
be kind to me. I will always keep you entertained for free. I will swim no more, O Venkat, if you put me in frying pan. Let me swiss, don't make me a dish. मुझे dish मत बनाइए. Swiss की word meaning है आपकी move with rustic sound. Be a good gentle fisherman. Hearing this, Venkat stop. इसकी सब सुन के वेंकट जो फिशरमैन है वो रुक जाता है. He got mighty sad, extremely unhappy. वह अनहैप्पी हो जाता है. द फिश श्योर इज हैप्पी एंड सेफ कॉज नाउ इट्स वेंकट पेट. अब वो क्या हो जाती है, वेंकट की पेट हो जाती है, ठीक है, और फिश अब हैप्पी भी है. तो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को, इस पोएम को फिर से वन टाइम अपने आप रीड करेंगे. पोएम है आपकी वेंकट एंड फिश. ओके बाय स्टूडेंट्स.